हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्सोन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। भारत में रोजाना रेलवे नेटवर्क बढ़ रहे हैं। मेट्रो किसी भी शहर के लिए ट्रैफिक से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है। साल 2002 में जब मेट्रो शुरू हुई थी तब 8 किलोमीटर की लाइन थी, जो आज 213 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुकी है। तब 30,000 यात्री थे और अब 30 लाख हो गए। 100 गुना का फर्क आ गया है। जिस तरह से हमने काम किया है वो सबके सामने है। राज्यों में जो काम हो रहे हैं वो इससे अलग है। पिछले 5 सालों में तो हमने अद्भुत प्रगति की है। अब तक हमने तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय पद पर अपना नाम बनाया है, जो कि पहले जिला स्तर में ही था। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले नंबर से। नंबर 1, मुंबई मेट्रो। दोस्तों, मुंबई सपनों का शहर और देश का फाइनेंशियल कैपिटल। करीब 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले इस मुंबई तथा उपनगर से लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग मुंबई के लाइफलाइन माने जाने वाले लोकल ट्रेन से और करीब 40 लाख लोग वेस्ट की बस से सेवा में प्रति सफर करते हैं। मुंबई में यातायात के सभी साधन उनके क्षमता से 2 गुना लोगों को ले जाती है। लोगों को इस समस्या को सुलझाने के लिए मुंबई महानगर पालिका विकास प्राधिकरण MMRDA ने चुनाव किया मुंबई मेट्रो रेल नेटवर्क का, जो कि मुंबई को एक अत्याधुनिक शहर में बदल देगा। इसको ध्यान में रखकर MMRDA ने मुंबई में मेट्रो रेलवे का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें से पहले लाइन भरसोवा से घाटकोपर के बीच 11.40 किलोमीटर अब पूरी तरह से कार्यगत है। दूसरी लाइन तिरिसर से चारकोक होते हुए डीएन नगर तक लाइन 2A और डीएन नगर से बरकस होते हुए मनाकहुड तक लाइन को बी लाइन 2B रहेगी। लाइन 2B की कुल लंबाई 23 किलोमीटर होगी। तीसरी लाइन कोलाबा से अंधेरी की 6 तथा 33 किलोमीटर भूमिगत होगी। चौथी लाइन बडाला से होकर घाटकोपर मुलन से थाने होकर कवारवर बदवाली तक 32 किलोमीटर मेट्रो दौड़ेगी। इसके अलावा लाइन 5 थाने से भुलुवेंटी कल्याण तक, लाइन 6 स्वामी समर्थ नगर जगत शुरू से कंजू मार्ग और लाइन 7 में तहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। लाइन 7 का विस्तार करने के मीरा भेंदर तक, चौथी लाइन की विस्तार करके वाडाला से CST स्टेशन के नज़दीक GPU तक निर्धारित किया जाएगा। सभी मेट्रो रेलवे पूर्ण होने पर लगभग 200 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क तैयार होगा, जिससे 70 लाख से अधिक यात्रियों को रोज इसका लाभ होगा और इसके कारण मुंबई शहर और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और लोग और भी ज़्यादा टूरिस्ट मुंबई शहर में घूमने के लिए आ पाएंगे। दोस्तों, यह था टॉप अपकमिंग मेगा मेट्रो प्रोजेक्ट्स का पार्ट 1। दोस्तों, पार्ट 2 और पार्ट 3 और भी आने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, और कमेंट में हमें बताएं कि अगर मुंबई मेट्रो लाइन तैयार हो जाता है तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, मुंबई या फिर दिल्ली। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने वाला है जल्दी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी।